नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 वर्ष के एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए डंपर पर पथराव कर दिया। इस दौरान लोगों द्वारा डंपर में आग लगाने का भी प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को बामुश्किल शांत किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी स्थित राजपुरा के बच्चे गौला नदी किनारे अक्सर खेलते रहते हैं। आज भी 7 वर्षीय एक बच्चा गौला नदी किनारे खेल रहा था। इसी दौरान खनन कार्य में लगे डंपर वाहन ने बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और मासूम बच्चे का शव देखकर आक्रोशित हो गए। उन्होंने डंपर पर पथराव किया और उसमें आग लगाने का भी प्रयास किया। इसी बीच घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बमुश्किल समझाकर आक्रोशित भीड़ को शांत किया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुए डंपर को अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए हल्द्वानी से एजाज हुसैन की रिपोर्ट। आज एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर एक बच्चे डंपर के नीचे कुचला हुआ था, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। बच्चे के डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ये बताया जा रहा है डंपर दूसरे गेट का था, वहाँ खनन कर रहा था। नहीं, ये जाँच का विषय है। डंपर वैसे ये सीज कौन सा सीस महल गेट से आता है और वो उधर कैसे पहुंचा, इसलिए इसके लिए वन विभाग के कर्मचारी से बात की जाएगी। भीड़ भी कुछ उग्र हो गई थी, कुछ हंगामा करने। हाँ, थोड़ा वहाँ पे भीड़ हो गई थी, जैसे हो जाती है, कुछ तमाशबीन थे, कुछ आक्रोशित हो गए थे, लेकिन लोगों को समझाने के बाद वो मान गए, उसके बाद हमने अपनी कार्रवाई की। अभी के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।